DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. राजस्थान में लॉकडाउन 5.0 के बीच राजस्थान सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत दी है. अब 8 जून से प्रदेश में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब सशर्त खोले जा सकेंगे. शराब की दुकानों का भी समय राजस्थान के अंदर बढ़ा दिया गया है. अब शाम 6 के बजाय 8 बजे तक राजस्थान में शराब की दुकान खुल सकेंगी. गृह विभाग के ACS राजीव स्वरूप ने नया आदेश जारी किया है और उसमें स्पष्ट किया है कि मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खोलने के लिए केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 4 जून को जारी किए गए मानक राजस्थान के अंदर सभी लोगों को पूरे करने होंगे. इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी शर्तों की पालना सभी को करनी होगी. साथ ही रेस्टोरेंट में भी अब नई तरीके की व्यवस्था नजर आएगी. इसके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि रेस्टोरेंट में 2 टेबलों के बीच सीटिंग की व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी. साथ ही फास्ट फूड इकाइयों में जहां खड़े होकर खाने की व्यवस्था होगी, वहां पर टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखनी होगी. एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. वहीं अगर प्रदेश में हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसको लेकर शनिवार को जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मगुरुओं, संत महतों, धार्मिक संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनकी बातचीत को सुना, उनके साथ में चर्चा की और चर्चा में जो सुझाव आए उसके आधार पर ये फैसला किया गया कि धर्मस्थल खोलने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में हर ज़िले में एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी ये निर्धारित करेगी कि आखिरकार धार्मिक स्थलों की स्थिति क्या है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकती है या नहीं हो सकती और उसके साथ क्या हेल्थ प्रोटोकॉल जो हैं वहाँ पर संक्रमण से बचाव के जो उपाय हैं वहाँ पर उस जो उपाय हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर लागू किया जाएगा. उसके बाद ही धर्मस्थलों को खोलने के संबंध में कोई फैसला किया जाएगा. लेकिन अगले आदेश तक ये बिल्कुल तय है कि 8 जून से जहां देश में कई इलाकों के अंदर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं लेकिन राजस्थान के अंदर धार्मिक स्थल फिलहाल नहीं खुलेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मॉल और होटल और रेस्टोरेंट्स इस वक्त खोले जा रहे हैं इन तमाम सेक्टर्स को खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और इस दौरान जो खाने रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था है तो वहाँ पर भी कई बदलाव करने होंगे. जब अजमेर में हमारी टीम ने रेस्टोरेंट्स कई जो मालिक हैं उनसे बातचीत की तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि कई रेस्टोरेंट्स अब प्लेट्स की जगह जो थर्माकोल्स की प्लेट्स होती हैं उनका उपयोग करेंगे जिससे होटल के यहाँ पर बर्तनों को धोने का किसी प्रकार का कोई भी इंतज़ाम ना करना पड़े. देखिए जो कोरोना संक्रमण के चलते हमारा जो पर्यटन का जो काम है वो जो बंद हुआ था उसको पुनः चालू करने के जो आदेश अभी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि उनमें पुनः प्रारंभ किया जाए. तो कल 8 जून से ये सारा जो जितनी भी इकाइयां हैं जो ख़ासतौर से होटल, मॉल और रेस्टोरेंट जो है वो खोले जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है और ख़ासतौर से जो होटल संचालकों के लिए एक खुशी की बात है कि उनका जो काम है जो पिछले 2-2.5 महीने से बंद है वो फिर से शुरू होने जा रहा है. होटल संचालकों ने के लिए जो होटल को खोलने का जो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है उन गाइडलाइंस को भी हम लोगों ने रीड किया है और उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा जिसमें ख़ास तौर से आने वाले पर्यटकों को उनको उनके हाथों को सैनिटाइज़ करना, उनका लगेज को सैनिटाइज़ करना और ख़ास तौर से जो होटल है उस होटल परिसर को भी सैनिटाइज़ करके रखना, इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा और जो आने वाले पर्यटकों को ख़ास तौर से उनकी स्क्रीनिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. तो इन चीज़ों के लिए तैयारियां की जा रही है और कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्दी इस पर्यटन का जो काम है ये थोड़ा ऊपर आए. हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अभी फ़िलहाल राज्य के सभी धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है तो उससे अभी थोड़ा सा पर्यटन थोड़ा मंदा रहेगा लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये इसके अंदर उठाव आएगा और जो होटल संचालक पिछले 2.5 महीने से जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगी. मुबारक खान, होटल संचालक पुष्कर.